बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। चाचा शिवपाल यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में धीरे धीरे लगातार कारवा बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर हाशिए पर जो नेता रह गए थे वो सभी समाजवादी पार्टी से अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में जाने शुरू हो गए हैं। और इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि रविवार को पूर्व IPS वजी अहमद भी प्रसपा में शामिल हो गए हैं। वजी अहमद कई जिलों में पुलिस कप्तान रह चुके हैं, उन्हें पार्टी के एहसान खान ने सदस्यता दिलाने की औपचारिकता पूरी की। वहीं शिवपाल यादव ने प्रदेश के सभी सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने की बात की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से संबंध खराब होने के बाद उन्होंने समाजवादी सेकुलर मोर्चा बनाया था, बाद में इसको पार्टी में बदल दिया गया है। दरअसल जिस तरह से शिवपाल यादव के संगठन के साथ लोग लगातार वहीं मुलायम सिंह यादव ने भी शिवपाल यादव का समर्थन करने से पीछे नहीं हटे हैं, उन्होंने भी शिवपाल यादव का समर्थन किया है। हालांकि मुलायम सिंह यादव ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ आए, एक मंच पर आए और समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से चाचा शिवपाल अपने कुनबे को बढ़ाते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी ताकत के रूप में उभर सकते हैं। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।